लाहौर की मकामी अदालत ने 50 इंसानी स्मगलर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के दायमी वारंट भी जारी किए गए हैं। शाहीन अतीक से तफसीला जानते हैं। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा इस मामले के बारे में। जी, स्पेशल जज FIA इजाज़ अमान की अदालत में 50 के करीब इंसानी स्मगलर थे जिनका केस जो है यहाँ पर लगा हुआ था, और अदालत ने इनको पेश होने का हुक्म दिया था। अदालत में ये लोग पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इनके दायमी वारंट जारी कर दिए और साथ ही इनके जो शनाख्ती कार्ड है उनको ब्लॉक करने का नाजा को हुक्म दे दिया है। नाजा को कहा है कि इन अफराद के शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिए जाए, और इसके अलावा इमिग्रेशन को भी अहकाम जारी कर दिए गए कि इनका नाम ECL में डाला जाए। ये वो अफराद हैं जिन्होंने सादा लोग अफराद को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लाखों रुपए से महरूम कर दिया, उसके बाद ये लापता हो गए थे। अदालत में इनका चलान पेश किए गए थे और ये पेश नहीं हो रहा है, जिस पर अदालत ने इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए और साथ ही अदालत ने इनके केस दाखिल दफ्तर कर दिए और कहा है FIA को कि फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार किया जाए, जैसे ही गिरफ्तार हो तो दोबारा इनके केस जो है वो अदालत में पेश किए जाए। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।